गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिनेश मिगलानी ट्यूटोरियल्स। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग विच इज वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर बैंक पीयू एग्जामिनेशन। इट मे बी आइदर आईबीपीएस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन। फॉर दिस सेशन आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फ्रेंड मिस्टर हितेश हु हैज स्पेयर्ड हिज वैल्यूएबल टाइम फॉर दिनेश मिगलानी ट्यूटोरियल्स, एंड इन दिस सेशन ही विल डिस्कस अबाउट the different aspects of the banking, the different varieties of questions that are being asked in our examinations. He will help us in making the number of sessions on the banking system that includes the budgets, RBI, central bank, as well as the functions on the bank. I am very thankful to you, Mr. Hitesh. Today we will do the topic inflation and recession. तो इन्फ्लेशन वर्ड का मीनिंग होता है महंगाई। कभी भी जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं ना हमारे मार्केट में, कोई भी एक 10 रुपये की चीज़ हमें 15 रुपये में मिलने लगती है, तो हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। तो मार्केट की उस स्टेज को बोलते हैं इन्फ्लेशन। और रिसेशन हमारी वो मार्केट होती है जब जॉब्स वगैरह बहुत कम हो जाती है मार्केट में, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है, मीन्स मार्केट में मनी का कम हो जाना, वो होता है रिसेशन। रिसेशन सबसे पहले हमारे यहाँ पे आया था 2008 में, और वही एक ऐसी स्टेज थी जब हमारी जो बीटेक पास आउट्स होते हैं उनके लिए मार्केट ख़राब हो गई थी, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, किसी ने भी इंजीनियरिंग की हुई उसे इजीली जॉब मिल जाती थी। लेकिन 2008 के बाद क्या हुआ था, जब ये रिसेशन आया था तब जाके ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी हमारी मार्केट में। और जो रिसेशन होता है ना वो हमेशा स्टार्ट होता है एक डेवलप्ड इकोनॉमी से। 2008 में कहाँ से स्टार्ट हुआ था, US से, क्योंकि वहाँ के जो बैंक थे वो डूब गए थे, मतलब आगे जो बैंक थे वो काम नहीं कर पा रहे थे ठीक से, बैंक ऑफ मेरिल लिंच, और उसका असर यहाँ पे कहाँ पे पड़ा, इंडिया में। मींस रिसेशन ऑलवेज मूव्स फ्रॉम डेवलप्ड इकोनॉमी से डेवलपिंग इकोनॉमी पे मूव करता है। सो अब हम डेप्थ में स्टडी करते हैं इन्फ्लेशन को। व्हाट इज इन्फ्लेशन? इट इज ए स्टेज ऑफ मार्केट in which prices of goods and services becomes high, जब कभी भी मार्केट में चीजों के प्राइस बढ़ जाएंगे हम उसको क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन आ गई है। अब इस इन्फ्लेशन के कारण क्या क्या होते हैं, अब हम इसके कॉजेज को पढ़ेंगे, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का कॉज होता है कि कई बार गवर्नमेंट पॉलिसीज कुछ अलग अलग बना देती है, कई बार वो ऐसी पॉलिसीज बना देती है कि जिससे हमें किसी भी चीज को खरीदने के लिए ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है, मीन्स उन्होंने टैक्स को इंक्रीज कर दिया, तो क्या करना पड़ेगा, जो चीज हमें 10 रुपए की मिली थी वो 12 रुपए की मिलेगी, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से हो जाते हैं। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन नंबर 1, ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, और दूसरा इसका रीजन होता है हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं, जैसे कोयला है वो आज हमारे पास है 100 टन, अगर ये कम हो जाएगा ना, ये 80 टन हो गया, तो क्या होगा, कोल के प्राइसेस हाई हो जाएंगे। ये हमारी इकोनॉमी का रूल होता है कि किसी भी चीज की जब मात्रा कम हो जाती है तब उसके प्राइसेस हाई हो जाते हैं। सो स्कार्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज,
तीसरा हमारा होता है, कई बार हमारे ना वॉर्स हो जाती हैं कंट्रीज के बीच में, या अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हो जाते हैं, कभी भी जब कंट्री में वॉर होती है ना, तो वो सारा पैसा किसका खर्च होता है वॉर में, वो सब हमारा होता है जो हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया होता है। तो अगर वॉर हो गई तो क्या करेगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को और ज्यादा मनी चाहिएगा, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, टैक्सेस को इंक्रीज कर देंगे हमसे ज्यादा मनी लेने के लिए। अब जब किसी चीज में टैक्स को इंक्रीज कर दिया, मतलब उस चीज के प्राइस को हाई कर दिया, तो ऐसे वॉर्स एंड अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हमारे इन्फ्लेशन का रीजन बनते हैं। फोर्थ इसका रीजन होता है ब्लैक मार्केटिंग ऑफ गुड्स। ब्लैक मार्केटिंग ऑफ गुड्स क्या चीज होती है, मान लीजिए कि कोई हमारे पास सप्लायर है किसी भी चीज का, अगर वो अपने पास बहुत सारा मटेरियल स्टोर कर ले, बहुत सारे गुड के अमाउंट्स को स्टोर कर ले, मान लो उन्होंने अपने पास सारा जो ओनियन है सप्लायर है उसने सारा अपने पास स्टोर कर लिया, और ये दिखा दिया कि मार्केट में इसकी कमी हो चुकी है, तो मार्केट में किसी भी चीज की कमी होने से क्या होता है, उसके प्राइसेस हाई हो जाते हैं, तो ब्लैक मार्केटिंग से हमारी इन्फ्लेशन बढ़ती है। और इसका सबसे मेन रीजन होता है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। मार्केट अगर गवर्नमेंट सबके पास ज्यादा ज्यादा पैसे देने लगे ना, तो क्या होगा, हमारी इन्फ्लेशन आ जाएगी। मान लीजिए अगर हर एक के पास गवर्नमेंट ने एक एक लाख रुपए दे दिए, तो वह क्या करेंगे, चीजें अपने आप ही महंगी हो जाएंगी, क्योंकि हमें क्या करना होता है, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक अमाउंट तक यूज करना होता है, हम उसे बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, प्राइसेस हाई हो जाते हैं जब कभी हमारा मार्केट में मनी इंक्रीज होता है। ये सब हमारे कॉजेस थे जिससे हमारा इन्फ्लेशन आता है। अब आता है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। हमारे टू टाइप्स के इन्फ्लेशन होते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो हमारी कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होती है, मान लीजिए कि अगर कोई जो हमारी गुड थी उसके प्रोडक्शन कॉस्ट में हम इंक्रीमेंट कर देते हैं, मतलब उसका प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाए। मान लीजिए पेन है, ये पहले बन रहा था 8 रुपए का, अभी प्रोडक्शन ही 10 रुपए की होती है, तो ये जो 2 रुपीज होते हैं ये क्या होते हैं, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर किसी चीज में इन्फ्लेशन आते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो उसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये जो इन्फ्लेशन होता है ये हमारा स्टेबल होता है, मीन्स ये जब आता है तो कई सालों तक ऐसा ही रहता है, ये ऐसा नहीं होता कि हर साल बढ़ता रहता है, ये हमारा स्टेबल होता है नेचर में, कई ईयर्स के बाद आता है ये। और दूसरा होता है, हाँ, और ये आने के बाद ये जाता नहीं है, अगर इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक बार 2 रुपीज इंक्रीज हो गया तो ये कभी डाउन नहीं होगा, इसका मिनिमम 10 रुपीज तो रहेगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है,
मान लीजिए किसी भी चीज की डिमांड अगर मार्केट में ज्यादा हो गई तो क्या होगा, किसी भी चीज की डिमांड इंक्रीज होने से उसका जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। सो ये टाइप ऑफ इन्फ्लेशन आता है किसी भी चीज की डिमांड इंक्रीज होने से, और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है इन नेचर। दिस इज अनस्टेबल इन नेचर। क्या होगा, अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा होगी, अगर वहीं पर अगर डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगे, लेकिन इस टाइप में कभी भी प्राइस डाउन नहीं जाते फिर से। और इसमें क्या होता है कि आपने मार्केट में बीच में देखा होगा प्याज 100 रुपए किलो हो गई थी ऑनियन, और उसके बाद क्या हुआ, आज फिर से 20 रुपीज 18 रुपीज। तो ऐसी टाइप ऑफ इन्फ्लेशन को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब हम आते हैं स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कितने स्टेजेस में आती है, स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन, हमारी पहली स्टेज होती है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। और ये हमारी होती है 2-4%। क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, रेंगना, मतलब इस टाइम महंगाई क्या कर रही होती है, रेंग रही होती है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रही होती है। दूसरी हमारी होती है वॉकिंग इन्फ्लेशन। और इसमें क्या होती है हमारी 4-6%, 4+, मतलब 4 से कुछ ना कुछ ज्यादा होना चाहिए, चाहे वो 4.01 हो, 4-6%। इसका मतलब क्या होता है कि वो चल रही होती है, मींस बहुत स्लो स्लो बढ़ रही होती है। और हम क्या करते हैं, जब चलना सीख जाते हैं फिर क्या करते हैं, उसके बाद दौड़ते हैं। तो हमारा तीसरा स्टेज आता है रनिंग इन्फ्लेशन। और इसमें हमारा कितना हो जाता है, 6-10%, 6+, मतलब 6 से कुछ ना कुछ ज्यादा। हमारी फोर्थ स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन होती है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और इसमें हमारी परसेंटेज क्या रहती है, 10-20%, 10+2, 20%। और जो हमारी लास्ट होती है वो होती है हाइपर इन्फ्लेशन। और हाइपर इन्फ्लेशन कितनी हो जाती है, 20+ से, मतलब 20% से भी ज्यादा जब किसी कंट्री की इन्फ्लेशन हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, उस कंट्री में हाइपर इन्फ्लेशन है। और जो एक आइडियल इन्फ्लेशन होती है ना किसी भी कंट्री के लिए कि वो ठीक से ग्रो करे, वो होती है रनिंग इन्फ्लेशन। हमारे इंडिया में हमेशा रनिंग इन्फ्लेशन रहती है, 7%, 8%। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर चीजों के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे ना तो हमारी इकोनॉमी कभी ग्रो नहीं करेगी। तो सबसे आइडियल इन्फ्लेशन हमारी होती है रनिंग इन्फ्लेशन। इंडिया में अभी तक सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन कब रही है, इंडिया में जो अभी तक सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रही है वह है 16%, 16% इंडिया में हाईएस्ट रही है, इंडियास हाईएस्ट इन्फ्लेशन।
जिम्बाब्वे एक लौती ऐसी कंट्री है जहां पर हाइपर इन्फ्लेशन रहती है. वहां पर इन्फ्लेशन कितनी रहती है? 300%. जिम्बाब्वे, जब भी किसी कंट्री में इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाती है ना, तो क्या होता है, वहां की जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू कम होती होती जाती है. अब जिम्बाब्वे में $1 trillion का नोट भी छप चुका है. और जब किसी कंट्री में इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाती है ना, तो क्या होता है, उसमें उनको कागज ज्यादा छापना पड़ेगा, उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कम होते जाएंगे. तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है और हम उसको कहते हैं डिमोनेटाइजेशन. ये 2015 में जिम्बाब्वे ने किया था. जैसे ही उन्होंने 1 trillion का नोट पब्लिश किया था, तो उन्होंने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया. डिमोनेटाइजेशन का मीनिंग होता है कि कोई भी कंट्री अपनी करेंसी को चेंज कर ले, चेंज इन करेंसी. इस वक्त जो जिम्बाब्वे की करेंसी है वो क्या है, US डॉलर. और पहले क्या थी उनकी, जिम्बाब्वियन डॉलर. और ऐसा उन्होंने किस लिए किया, क्योंकि वहां पे महंगाई इतनी बढ़ती जा रही थी, उनकी गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो पा रही थी. पर डिमोनेटाइजेशन के वक्त क्या होता है, ये कंट्रीज बहुत कम करती हैं, मतलब जब लास्ट वे ये रह जाता है तभी करती हैं. क्योंकि इससे क्या होगा, वो अपनी पुरानी करेंसी को वापस लेंगे. और ऐसे टाइम में क्या होगा कि जिन्होंने भी ब्लैक मनी को इकट्ठा कर रखा होता है, तो वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट को दे देते हैं, वहां के बैंक्स में दे देंगे, और उसके बदले उन्हें नई करेंसी मिल जाएगी. तो उनका जो बहुत सारा ब्लैक मनी है वो क्या होता है, वाइट हो जाता है डिमोनेटाइजेशन के ड्यूरेशन में. तो ये हमारा लास्ट होता है, लास्ट वे किसी भी इकोनॉमी को रिवाइव करने का. अभी तक हमने पढ़ा था स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन. उसके बाद हमारा क्या था, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन को किसी भी कंट्री में कैसे काउंट करते हैं, स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि हम इंडिया के रहने वाले हैं. हमारे इंडिया में दो तरह के इंडेक्सेस होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं अपनी इन्फ्लेशन को. पहला होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, WPI. और दूसरा होता है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, विच इज एन एक्रोनियम ऑफ CPI. तो हमारा ये होलसेल प्राइस इंडेक्स होता क्या है, इसमें बेसिकली क्या है कि हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें हमारे पास 676 प्रोडक्ट्स को क्या किया है, उन्होंने तीन चीजों में डिवाइड कर दिया गया. हमारे ये 676 प्रोडक्ट्स को उन्होंने तीन सेक्टर्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, अनदर वन इज सेकेंडरी सेक्टर, एंड द लास्ट वन इज टर्शियरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं, हमारे बेसिक नीड्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये सब हमारे प्राइमरी सेक्टर में काउंट होते हैं. और हमारे सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, इंडस्ट्रियल और लग्जूरियस प्रोडक्ट. और हमारा टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, सर्विसेज, ऑयल, क्रूड ऑयल. तो ये होता है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसमें 676 प्रोडक्ट्स और इनको तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारा US से अडॉप्ट किया गया था, अडॉप्टेड फ्रॉम US. ये कब आया था, 2010 में. लेकिन ये इंडिया में ज्यादा चल नहीं पाया. क्यों, क्योंकि इंडिया में हर एक स्टेट में ना, हर एक स्टेट के अलग अलग टैक्सेस होते हैं. तो उसकी वजह से क्या होते हैं, प्राइस हर एक स्टेट में अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से हम CPI ठीक से काउंट नहीं कर पाते. ये क्या होता है, मोस्टली डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए होता है, जहाँ पर हमें क्या होता है, प्राइजेस वहाँ पे होल कंट्री में सेम रहते हैं, सेम थ्रू आउट द कंट्री, लेकिन हमारे यहाँ पे डिफरेंस होता है उनमें. इसी चीज़ को ठीक से लागू हम कैसे कर सकते हैं, GST. GST क्या, हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. इसमें हमारे चार टैक्सेस को इंक्लूड किया गया है, ऑक्ट्रॉय टैक्स, और हमारा ऑक्ट्रॉय, वैट, हमारा एक्साइज, कस्टम्स, ये सब टैक्सेस हमारे GST में डाल दिए गए हैं.
और जीएसटी आने के बाद क्या होगा कि जो हमारे प्राइसेस है कंट्री में वो लगभग सेम हो जाएंगे, तब हम सीपीआई को ठीक से काउंट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ठीक से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये अडॉप्टेड किया गया था यूएस से, और ये किस पे बेस होते हैं, एमआरपी पे। तो ये होता है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब इसको कैलकुलेट करते कैसे, मान लीजिए हमारे पास सारा डाटा है, लेकिन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि देश में महंगाई कैसे है। उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि एक बेस ईयर होता है। पहले हमारा बेस ईयर था 2003-04, फिर उसके बाद हुआ 6-07, और जो हमारा इस वक्त बेस ईयर चल रहे हैं हमारी इन्फ्लेशन को काउंट करने के लिए, वो हमारा बेस ईयर चल रहा है इस वक्त 2012 से 2013। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, मान लीजिए 2012 से 2013 में किसी चीज का प्राइस था 100 रुपए, अब हमारा क्या चल रहा है 2016 से 2017, इसमें वो प्राइस हो गया 112 रुपए। तो इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी, हम निकालते हैं परसेंटेज में, परसेंटेज इंक्रीज, और यही हमारी क्या होती है इन्फ्लेशन। ये कैसे निकालते हैं, पहले हम निकालेंगे कि कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इनटू में 100 बाय में बेस ईयर में उसका प्राइस क्या था, बेस ईयर प्राइस। अब इंक्रीज कितना हुआ हमारा, 100 से 112 हो गया, तो हमारा इंक्रीज हो गया 12 इनटू में 100, और बेस ईयर में उसका प्राइस क्या था 100 रुपए डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा क्या हो गया 12% इन्फ्लेशन आ गई। और ऐसे हम क्या करते हैं, हर एक प्रोडक्ट पे काउंट करते हैं, और फिर WPI निकाल के हम क्या बताते हैं कि हमारे देश में इन्फ्लेशन की एग्जैक्ट रेट क्या है। अब इन्फ्लेशन से क्या इफेक्ट होता है हमारी मार्केट, और मार्केट में क्या होता है, मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाती है, मार्केट में रिसेशन आ जाता है, ऐसे वो कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जो मार्केट में आती हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। अब हम उन हर एक स्टेज को कंसिडर करेंगे। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, इन्फ्लेशन और रिसेशन की वजह से मार्केट में कौन कौन सी फॉर्म्स आती हैं, कैसे कैसी मार्केट होती रहती है। मान लीजिए किसी देश में पहले इन्फ्लेशन चल रहा है, उस देश की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, तो उससे क्या हो सकता है, उससे ज्यादा क्या हो सकता है कि थोड़ी सी उसकी इकोनॉमी खराब हो जाए, इन्फ्लेशन की वैल्यू कम हो जाए, तो इन्फ्लेशन से हमारा आता है डिफ्लेशन, और इसको डिस इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, डिफ्लेशन या डिस इन साइंस को अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, मतलब क्या होता है कि जो मार्केट है वो इन्फ्लेशन से डिफ्लेशन पे भी आ सकती है और डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन पर भी जा सकती है। तीसरी हमारी स्टेज होती है स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन हमारी वो स्टेज होती है जब गवर्नमेंट क्या करती है मार्केट को रिवाइव करने के लिए जॉब्स प्रोवाइड करना शुरू कर देती है, मार्केट में मनी देना शुरू कर देती है, और ये भी इसके साथ डबल वेंचर में होती है। स्टैगफ्लेशन से क्या आ सकता है हमारा, रीइन्फ्लेशन, रीइन्फ्लेशन हमारा किससे आता है,
रिसेशन से, मतलब रिसेशन में हमारी क्या हो जाती है, मार्केट बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसके बाद जब मार्केट रिवाइव करने लगती है धीरे धीरे, मीन्स मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी कम हो जाए, मार्केट में चीज़ें फिर से खरीदना शुरू कर दें, मार्केट में फिर से थोड़ा थोड़ा मनी आने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं, री इन्फ्लेशन। एंड रिसेशन से ज्यादा कभी भी स्टेज खराब नहीं हो सकती। रिसेशन एक ऐसी स्टेज है जिसके बाद देश की जो सबसे इकोनॉमी का बेकार हालात होते हैं उसको रिसेशन बोलते हैं। तो रिसेशन के बाद क्या होता है, चीजें कभी भी खराब नहीं हो सकती, सिर्फ अच्छी हो सकती है, री इन्फ्लेशन आता है। री इन्फ्लेशन से कभी रिसेशन नहीं आता, क्यों? क्योंकि रिसेशन एक ऐसी चीज है जो मार्केट में आ चुकी है, फिर उसको सिर्फ इम्प्रूव ही किया जाता है। आप ये साइंस देखिए, यहाँ पे यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, इस स्टेज से भी यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी आ सकते हैं, लेकिन रिसेशन के बाद तो हमारी सिर्फ इम्प्रूवमेंट ही होगी, री इन्फ्लेशन। और री इन्फ्लेशन के बाद क्या आता है, स्टैगफ्लेशन। ये हमारी होती है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब हम इन क्या करेंगे, इन फॉर्म्स को डीपली स्टडी करेंगे कि ये होती क्या है, एग्जैक्टली स्टैगफ्लेशन क्या चीज है, डिफ्लेशन क्या चीज है। तो हम स्टार्ट करते हैं रिसेशन से। रिसेशन हमारी मार्केट में वो चीज होती है जहां पे एक देश में बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, इकोनॉमी एक तरह से रुक जाती है, क्योंकि अगर किसी के पास पैसा होगा नहीं तो वो चीजों को खरीद ही नहीं सकेगा। और रिसेशन आता कैसे है, मान लीजिए किसी के पास जॉब ही नहीं है तो उसके पास क्या होगा, पैसा ही नहीं होगा, पैसा ही नहीं तो वो चीजों को खरीदेगा कैसे। अगर चीजों का लेन देन बंद हो जाए किसी भी मार्केट में तो क्या होता है, मनी का फ्लो रुक जाता है। मनी क्या करता है, हमेशा सिर्फ फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह, मनी हम जनरेट नहीं कर सकते। तो रिसेशन एक ऐसी चीज है जहाँ पे मार्केट में बहुत सारी हाई अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, लोगों की जॉब छूटने पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बैंक बंद हो जाता है तो उस बैंक के 1,00,000 एम्प्लॉयज हैं, तो क्या होगा, वे सब बेरोजगार हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, हाई अनएम्प्लॉयमेंट। कोई कंपनी अगर बंद हो जाए तो क्या होगा, उसकी वजह से हाई अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, क्योंकि जो वहाँ पे वर्कर्स थे उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट का रिसोर्स नहीं रहेगा। और क्या होता है, इकोनॉमी डिक्रीज होने लगती है। इकोनॉमी डिक्रीज का मतलब जो हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज होने लगता है डे बाय डे, और मार्केट में मनी का फ्लो क्या होता है, रुक सा जाता है। मनी स्टॉप्स फ्लोइंग। तो ये होता है हमारा रिसेशन। रिसेशन के बाद क्या होता है, चीजें कभी भी खराब नहीं हो सकती, रिसेशन के बाद हमेशा क्या करेगी, मार्केट अपने आप को इम्प्रूव करेगी। तो रिसेशन के बाद जब कभी भी मार्केट अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है तो उसको क्या बोलते हैं, री इन्फ्लेशन। री इन्फ्लेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि और बंदे अनएम्प्लॉयड ना हो, उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही, लेकिन वो ये कोशिश करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा ना हो, इकोनॉमी और ज्यादा डिक्रीज ना जाए, और मनी थोड़ा थोड़ा फ्लो करना शुरू कर दे, किसी भी तरह लोगों के पास थोड़ा थोड़ा पैसा आना शुरू हो जाए। इसमें क्या करते हैं, बैंक हमें लोन देने लगते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो बैंक हमें ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या देगा, लोन देगा। लेकिन अगर रिसेशन का टाइम होता है तो बैंक क्या करते हैं, 6% 7% पे भी इंटरेस्ट रेट पे हमें लोन देने लगते हैं। पहले क्या होता था दोस्तों, रिसेशन आने की एक चीज होती थी कि गवर्नमेंट ना कंपनियों में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने लगती थी उनके इंटरनल डिसीजन में। तो उस वक्त क्या बनाया गया, एक लेजिस फेयर सिस्टम बनाया गया।
लेजिस्फेयर सिस्टम। लेजिस्फेयर सिस्टम क्या होते हैं कि कोई भी जो गवर्नमेंट होती है ना, वो किसी भी कंपनी की इंटरनल पॉलिटिक्स या फिर उनके इंटरनल डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये लेजिस्फेयर सिस्टम इसलिए बनाया गया कि जो हमारी कंट्री है, जो हमारी कंट्री में जितनी भी कंपनीज हैं जो वर्क करती हैं उस कंट्री में, उनमें कोई भी डिसीजन फ्रीडम से भी ले सके, गवर्नमेंट किसी भी तरह उनके इंटरनल डिसीजन में इंटरफेयर ना करे, उसको बोलते हैं लेजिस्फेयर सिस्टम। अब आता है हमारा रिसेशन के बाद क्या हो सकती है, चीजें सिर्फ अच्छी ही हो सकती हैं। ये था हमारा रिसेशन। रिसेशन से और ज्यादा डाउन नहीं जा सकता। रिसेशन के बाद क्या करती है, रीइन्फ्लेशन। रीइन्फ्लेशन में क्या होता है दोस्तों, रीइन्फ्लेशन में गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करती है ताकि लोग और ज्यादा अनएम्प्लॉयड ना हो, इकोनॉमी को डिक्रीज होने से रोकती है कि इकोनॉमी और ज्यादा डिक्रीज ना हो, उसको हम बोलते हैं रीइन्फ्लेशन। उसके बाद हमारा होता था स्टैगफ्लेशन। इसके बाद हमारी क्या चीज आती थी, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो नेग्लिजिबल हो जाती है। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट नेग्लिजिबल हो जाती है, और इसमें क्या होता है कि कंट्री में थोड़ा थोड़ा जो मनी होता है वो फ्लो करना शुरू कर देता है, हमारी इकोनॉमी एक जगह पे स्टॉप हो जाती है, वो डिक्रीज नहीं होती, वो स्टेबल हो जाती है, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन के बाद हमारी क्या चीज आ सकती है, अब मान लीजिए कि उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट होने से रोक लिया, तो उसके बाद क्या करते हैं कि लोगों को रोजगार देना शुरू कर देना, और उसको हम क्या बोलते हैं, डिस इन्फ्लेशन। और डिस इन्फ्लेशन किसके बाद आता है, इन्फ्लेशन से। मान लीजिए किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो जाए, इन्फ्लेशन आज है 12%, अगले साल वो हो जाता है 10%, उस स्टेज को क्या बोलेंगे, डिस इन्फ्लेशन। मतलब किसी भी कंट्री का अगर ग्रोथ रेट कम हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि उसने बहुत ज्यादा ग्रो नहीं किया बल्कि पिछले साल से कम ग्रो किया, तो हम उस स्टेज को क्या बोलते हैं, डिस इन्फ्लेशन। थैंक यू दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इन्फ्लेशन एंड रिसेशन कवर होता है। थैंक यू।